दोस्तों ये मेरा 64 GB का एक पेन ड्राइव है। इस पेन ड्राइव का मैं 32 GB का एक और 32 GB का दूसरा, यानी एक ही पेन ड्राइव का मैं दो दो पार्टीशन या फिर दो पेन ड्राइव में कैसे मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, आप देख रहे हैं टेक माइंड। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पेन ड्राइव को इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इंसर्ट करूंगा तो इस प्रकार से आप पीसी में जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। ये मेरा ये पेन ड्राइव है और 64 GB का है, हालांकि ये 57.2 GB दिखाता है, बाकी का जो स्पेस होता है वो ये सिस्टम खुद के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इसमें ये कनेक्ट होने के बाद आपको एक ही पेन ड्राइव जो है यहाँ पे दिस पीसी में दिख रहा है। तो जो ट्रिक हम यहाँ पे करेंगे, वो ट्रिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो पेन ड्राइव शो हो जाएंगे। तो आपको करना यह है कि इसको क्लोज करना है, उसके बाद आपको दिस पीसी पर क्लिक करना है और दिस पीसी पर आपको राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेज एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो कंप्यूटर मैनेजमेंट इस प्रकार से खुल जाएगा। इसके बाद आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है, उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट में क्लिक करना है और यहाँ पे हमारा जो यूएसबी ड्राइव है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिख जाएगा। आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पेन ड्राइव है इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पे दो पार्टीशन बना लेना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। श्रिंक वॉल्यूम पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कितना MB का ये एक पार्टीशन बनाना है ये पूछ लेगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर हम यहाँ पे ओपन करने वाले हैं और यहाँ पे 57 GB का पेन ड्राइव हमारा है। इसको हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे 2 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 28.5 इस प्रकार से दिखाएगा और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1024 से। अब जितना भी MB आपको यहाँ पे दिखाएगा वो MB आपको यहाँ पे इस MB को क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 29,184 इस प्रकार से और श्रिंक पर हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारा एक पेन ड्राइव हो चुका है, यहाँ पे ये 28 GB का और ये फिर 28 GB का इस प्रकार से। अब इसको आपको क्या करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, फिर से नेक्स्ट करते जाइए, कुछ मत कीजिए, खाली आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और फिनिश पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हमारे अभी दो पेन ड्राइव जो है हमारे बन चुके हैं। तो मैं आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाकर भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे दिस पीसी में जाएंगे और दिस पीसी में यहाँ पे ये वाला एक पेन ड्राइव और ये वाला एक पेन ड्राइव, जैसे हम यहाँ पे रिमूव करेंगे तो दो पेन ड्राइव निकल जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो दो पेन ड्राइव आपके यहाँ पे कनेक्ट हो चुके। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पार्टीशन बना सकते हो, इसमें कुछ अलग फाइल रख सकते हो, इसमें भी आप कुछ अलग फाइल जो है आप इस प्रकार से बना सकते हो।